आपने कभी सुना है कि आपके चलने से आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है? जी हाँ, ये सच है और इसे कर दिखाया है दिल्ली के माउंट कॉमल स्कूल के छात्रों ने। अगर आपके चलने भर से ही मोबाइल चार्ज हो जाए, ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन दिल्ली के माउंट कैरमल स्कूल के 10वीं के दो छात्र आनंद और मोहक ने ऐसा कर दिखाया। एक चार्जर जो सिर्फ चलने से मोबाइल चार्ज कर दे, उसे नाम दिया है वॉकी मोबी चार्जर। वो इंडिया में वॉकिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना हम उस पॉपुलेशन के नेगेटिव फैक्टर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें और उसे एनर्जी डेवलप करें। तो ये एनर्जी सिर्फ मोबाइल चार्जिंग के यूज़ में नहीं, और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकती है। बस इसमें बैटरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा जिससे आगे ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को चार्ज कर सके। इसे बनाने में इन दोनों को सिर्फ 3 महीने लगे और लागत आई कुल जमा 2000 रुपये। अब इसका साइज करीब 4 इंच है, जबकि पहले दो मॉडल काफ़ी बड़े थे। वैसे साइज और छोटा होने की गुंजाइश अभी बाकी है। जब तक हम चलते रहेंगे वो चार्ज होता रहेगा, तो हम कम ही पैसे में जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हम इसके ऊपर करेंगे, उतने में हम थ्रू आउट द लाइफ हम इसको एक पावर बैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं। दरअसल स्कूल में मिलने वाली रोबोटिक्स की स्पेशल ट्रेनिंग ने बच्चों को कुछ नया कर दिखाने का रास्ता दिखाया। ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। चलने के दौरान जूते में लगे बफर पर दबाव बनता है जिससे बिजली पैदा होती है। ये चार्जर दूसरे आम चार्जरों के मुकाबले 30% तेजी से चार्ज करता है। इनोवेटिव माइंड देने के लिए हम अपने स्कूल में डिफरेंट क्लब चलाते हैं। उसमें से जैसे रोबोटिक क्लब है, साइंस के लिए जागरूक करने के लिए हम कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, और इनमें क्या होता है कि बच्चे छोटे से ही अपने दिमाग के अंदर एक आविष्कारी भावना पैदा कर देते हैं। इनोवेटिव आइडिया दैट नाउ दे हैव अ डिवाइस। फिलहाल बच्चों ने इस चार्जर का सिर्फ एक नमूना तैयार किया है, जिसे टेक्निकल सपोर्ट के जरिए जूते में फिट किया जाएगा और इसका पेटेंट भी किसी कंपनी को दिया जा सकेगा। ये एक ऐसा मोबाइल चार्जर है जिसमें आप चलते रहिए और लगातार अपने मोबाइल को चार्ज करते रहिए। ये मेहनत है आनंद और मोहक की। दिल्ली से कैमरा पर्सन SP द्विवेदी के साथ मोइन कादरी, NDTV इंडिया।